आ गया। क्या पानी? हाँ हाँ पानी भी और किसान सम्मान का पैसा भी। पीएम किसान को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही, जितनी भी पीएम किसान वाले हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है कि 14वां किस्त आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कितनी तारीख को रिलीज कर दिया गया है उनके खाते में। तो भाई आप लोग बने रहे, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ लास्ट, ताकि आपको सब कुछ सही से पता चले और अपना जो है पैसा निकाल सके। देखिए दोस्तों, 27 जुलाई को जो है सभी का पेमेंट रिलीज कर दिया गया है, यानी कि 27 और 28 दोनों तारीख को रिलीज किया गया है। तो भाई सभी का पैसा आ चुका है, यदि आप लोग चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। यदि किसी का पैसा नहीं आया है तो यहाँ देखिए हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, तो आप कॉन्टेक्ट करके पता कर सकते हैं। आज यहाँ से पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भेजी गई है। सिर्फ एक ही बटन दबाकर, एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपये पहुंचे हैं। यहाँ जो मेरे रायतू बंधु हैं वो अपना मोबाइल देखेंगे तो मैसेज आ गया होगा। आ गया। क्या पानी? हाँ हाँ पानी भी और किसान सम्मान का पैसा भी। 21 करोड़ रुपये अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। बाकी किसानों को भी इसी तरह 2,000 रुपये अगले कुछ हफ्तों में भी मिल जाएंगे और देश में करीब करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में। आज फिर किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की किस्त भेजी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में आज 2,000 रुपए की किस्त जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ऐसे करोड़ों किसान हैं जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से बाहर कर दिया गया है, एवं बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जिनका लिस्ट में नाम तो है लेकिन उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिला है। तो आपको पैसा नहीं मिला है तो आपको कब तक पैसा मिल जाएगा ये भी हम आपको बताएंगे, और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के उन लाभार्थी किसानों की भी चर्चा करेंगे जिनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल चुका है लेकिन अगली किस्त उनको कम मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं 14वीं किस्त आ जाएगी लेकिन 3 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त नहीं मिलेगी, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार की ओर से पिछली बार कई सारे पॉइंट्स जो है फैक्टर्स लगाए गए थे, कई सारे फिल्टर्स लगाए गए थे, कई सारे नियम भी बदले गए थे जिनके आधार पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों की संख्या लगातार घट करके 11 करोड़ 27 लाख से केवल 8.5 करोड़ रह गई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग जो है 12.57 करोड़ से अधिक किसान रजिस्टर्ड है। जी हाँ दोस्तों, इन किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए सालाना यानी कि 2,000 रुपए की किस्त हर 4 महीने के अंतराल में ट्रांसफर की जाती है। वही लगातार किसानों को जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किए गए बदलावों के बारे में लगातार जो है किसानों को सूचित किया जाता रहा है, लेकिन अभी भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो कि नए नियम एवं जो नई पात्रता है उनको पूरा नहीं करते हैं। यदि आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त पानी है या फिर आने वाली किस्त आप बिना किसी रुकावट के लेना चाहते हैं, आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है, तो आपको क्या करना होगा? तो आप देख सकते हैं निम्न माध्यमों से KYC करवा सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत pmkisan.gov.in पर जाकर के, वेबसाइट पर जाकर के, या फिर आप CSC के माध्यम से अंगूठे यानी कि थंब लगा करके भी आप बायोमेट्रिक तरीके से ही KYC करवा सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर से पीएम किसान GOL ऐप डाउनलोड करके भी आप फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम की मदद से भी पीएम किसान सम्मान निधि की EKYC करवा सकते हैं। अभी तक आपने EKYC नहीं करवाया है तो, लेकिन वही किसानों ने EKYC करवा लिया है लेकिन बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो आप प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण यानी कि DBT इनेबल करवा लें। जी हां दोस्तों, यानी कि आपका बैंक खाता DBT इनेबल होना चाहिए। DBT इनेबल यदि आपका बैंक खाता नहीं है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि DBT के माध्यम से यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ही किसानों को पैसा दिया जाता है।